हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। आज ये दोनों टॉपिक्स हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। होप्स वो आपको ये वीडियो पसंद आए। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस को देख लेते हैं पहले, इस टेंस में क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहली फॉर्म है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसके रूल्स क्या हैं? अच्छा, इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं इसमें यूज़ क्या होता है, हैज़, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो यूज़ होता है इसमें मेनली। इसके रूल क्या है कि सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, इनके साथ हैज़, हैव प्लस उस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो पहला रूल क्या है कि ही, शी, इट और सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, और आई, वी, दे, यू और प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। एग्जाम्पल है दे हैव रिटन टू लेटर्स। अब दे के साथ क्या आना है, यहाँ हमने देखा कि दे के साथ क्या आना है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो दे के साथ हैव और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। सेकंड है ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, तो ही के साथ क्या आना है, हैज़, ही के साथ हैज़ और थर्ड फॉर्म, तो फिनिश्ड थर्ड फॉर्म आ गई। किसकी थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड, फिनिश की। थर्ड है आई हैव फॉरगॉटन द फोल्डर, आई के साथ क्या लगना है, हैव लगना है और थर्ड फॉर्म लगनी है, तो आई के साथ हैव लगा और फॉरगॉटन जो है वो थर्ड फॉर्म आ गई फॉरगेट की। अब फोर्थ है शी हैज़ ब्रोकन हर लेग, तो शी के साथ हैज़ लगेगा और थर्ड फॉर्म, तो शी के साथ हैज़ लगा और ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो थर्ड फॉर्म ब्रोक। लास्ट है वी हैव सीन हर टूडे, तो वी के साथ हैव लगना है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो वी के साथ हैव लगा और सी की थर्ड फॉर्म सीन, सी, सा, सीन, तो सीन थर्ड फॉर्म लग गई। नेक्स्ट है इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो जिसमें हम नॉट लगाते हैं, तो सेम रूल है हैज़, हैव ही लगना है, बस उसके साथ नॉट लगाना है और थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज़ नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, और आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। तो एग्जाम्पल्स क्या है इसकी, दे हैव नॉट रिटन टू लेटर्स, तो यहाँ पे क्या थी, दे हैव रिटन टू लेटर्स, तो नेगेटिव बनाया तो दे हैव नॉट रिटन टू लेटर्स। नेक्स्ट है ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, तो इसका नेगेटिव, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। थर्ड है आई हैव फॉरगॉटन द फोल्डर, तो इसका जो नेगेटिव बनाया आई हैव नॉट फॉरगॉटन द फोल्डर। फोर्थ है शी हैज़ ब्रोकन हर लेग, तो इसका नेगेटिव, शी हैज़ नॉट ब्रोकन हर लेग। और लास्ट है We have seen her today, और इसका नेगेटिव, We have not seen her today. अब नेक्स्ट है इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं has, है, तो वो सब्जेक्ट से पहले आएंगे और थर्ड फॉर्म तो लगनी है और लास्ट में इंटरोगेटिव का साइन भी लगेगा। तो ही, शी, इट के साथ has लगता था तो has इनसे पहले आ जाएगा, और आई, वी, दे, यू के साथ have लगता था तो have इनसे पहले आ जाएगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, हम वो भी देख लेते हैं। जैसे हैव दे रिटन टू लेटर्स, तो इसका जो पॉजिटिव था वो क्या था, दे हैव रिटन टू लेटर्स। नेगेटिव क्या बना, दे हैव नॉट रिटन टू लेटर्स, और इसका इंटरोगेटिव क्या बना, हैव पहले आ गया, तो हैव दे रिटन टू लेटर्स, हैव दे रिटन टू लेटर्स। नेक्स्ट है ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, तो इसका नेगेटिव क्या आया, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, और इसका जो इंटरोगेटिव था वो क्या आया, हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क, हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क। लास्ट थर्ड है आई हैव फॉरगॉटन द फोल्डर, तो नेगेटिव क्या आया, आई हैव नॉट फॉरगॉटन द फोल्डर, और इसी का जब हमने इंटरोगेटिव बनाया तो वो बना हैव आई फॉरगॉटन द फोल्डर। अब फोर्थ क्या था इसका कि शी हैज़ ब्रोकन हर लेग, तो इसका जब हमने नेगेटिव बनाया तो वो क्या आया, शी हैज़ नॉट ब्रोकन हर लेग, और इसी का इंटरोगेटिव क्या बना, हैज़ शी ब्रोकन हर लेग। अब इसी का जब हमने फिफ्थ वाला किया लास्ट, तो वी हैव सीन हर टूडे, तो नेगेटिव क्या बना, वी हैव नॉट सीन हर टूडे,
वी हैव नॉट सीन हर टूडे. और जब इंटरोगेटिव बनाया तो इंटरोगेटिव में हैव जो है वो पहले आ गया, तो हैव वी सीन हर टूडे, हैव वी सीन हर टूडे. अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब इस टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, तो देखते हैं इसको. इसमें सबसे पहले क्या आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस. और उसके रूल्स क्या हैं कि ही शी इट और सिंगुलर के साथ हैज़ बीन लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, और टाइम शो करना होता है इसमें, तो आईएनजी के साथ हम टाइम को शो करने के लिए सिंस भी लगाएंगे. नेक्स्ट है आई वी दे यू और प्लूरल के साथ हैव बीन लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगना ही है, और टाइम को शो करने के लिए हम सिंस और फॉर लगाएंगे. अब सिंस कहाँ लगना है और फॉर कहाँ लगना है ये हम देख लेते हैं. तो सिंस लगना है यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो, मतलब जहाँ पर टाइम निश्चय हो, हमें पता हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, कि वो मंडे से जहाँ मॉर्निंग से वो काम कर रहा है, सिंस 1950, सिंस चाइल्डहुड, सिंस यस्टरडे, सिंस 2 PM एक्सेट्रा. ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो, टाइम निश्चय हो, हमें कंफर्म हो टाइम क्या है. ठीक है, और फॉर कहाँ लगता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जहाँ पर टाइम जो है वो क्या ना हो, निश्चय ना हो, जैसे फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक्स. अब 2 दिन से वो कोई काम कर रहा है, लेकिन अब हमें ये नहीं ना पता कि जो कल वाला दिन था और परसों वाला दिन था वो वाले 2 दिन है, जब पिछले साल के 2 दिन की बात करें, कौन से 2 दिन की बात करें वो हमें नहीं पता. फॉर 2 वीक्स, फॉर मैनी डेज, और फॉर मैनी मंथ्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब जहाँ पर टाइम का हमें कोई भी निश्चय ना हो. एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी हम. शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस लास्ट नाइट. अब ही शी इट है तो उसके साथ हैज़ बीन लगा, और कुकिंग कुक फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा. अब लास्ट नाइट मतलब कल रात की बात कर रहा है, वो परफेक्ट टाइम है, हमें पता है किस टाइम की बात कर रहा है, तो हमने सिंस लगाया. नेक्स्ट है आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स. अब आई के साथ क्या लगना है, हैव बीन लगना है, प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्ले के साथ आईएनजी लगा, और फॉर 2 आवर्स, क्योंकि वो 2 घंटे से वो खेल रहा है. अब कौन से 2 घंटे से खेल रहा है हमें नहीं पता, इसलिए फॉर लगा. नेक्स्ट है यू हैव बीन लिसनिंग टू म्यूज़िक फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि तुम म्यूज़िक सुन रहे हो काफ़ी टाइम से. ठीक है, यू था तो हैव बीन लगा. अब लिसन फर्स्ट फॉर्म, तो लिसनिंग आईएनजी लगा, लिसनिंग टू म्यूज़िक फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब वो लंबे समय से सुन रहा है, लेकिन कौन से समय से सुन रहा है वो हमें नहीं पता, दैट्स वाई हमने यहाँ पे फॉर लगा दिया. नेक्स्ट था राम हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 5 PM. अब राम जो है वो सोया है, राम सिंगुलर है तो हैज़ बीन लगा, अब स्लीप के साथ आईएनजी लगा, अब सिंस 5 PM, तो वो 5 बजे से सोया है, कंफर्म टाइम है कि वो कितने बजे सोया था, 5 बजे सोया था, इसलिए सिंस लगा. अब नेक्स्ट है इसका नेगेटिव सेंटेंस. तो उसके रूल्स क्या होते हैं कि ही शी इट और सिंगुलर के साथ, जैसे पॉजिटिव में क्या लगता था, हैज़ बीन लगता था, तो अब नेगेटिव में क्या लगेगा, हैज़ नॉट बीन लगेगा. और सेम आई वी दे यू और प्लूरल के साथ हैव बीन लगता था, तो हैव नॉट लगाना है. पॉजिटिव और नेगेटिव में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस होता है कि पॉजिटिव में नॉट नहीं लगता और नेगेटिव में नॉट लगता है, बाकी सेम ही रहता है रूल. इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग सिंस लास्ट नाइट. एक मिनट यहाँ से भी देख लेते हैं हम. अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट एग्जांपल क्या आती, शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस लास्ट नाइट, तो इसी का नेगेटिव क्या बना हमारा, शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग सिंस लास्ट नाइट. लास्ट नाइट कल रात की बात कर रहा है, परफेक्ट टाइम है, प्रॉपर टाइम बताया है, इसलिए सिंस लगाया हमने. अब भी है आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो इसका नेगेटिव, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स. थर्ड है यू हैव बीन लिसनिंग टू म्यूज़िक फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इसका ही जब हमने नेगेटिव बनाया तो यू हैव नॉट बीन लिसनिंग टू म्यूज़िक फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड लास्ट वन इज़ राम हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 5 PM, और इसी का नेगेटिव, राम हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 5 PM. अब इसका इंटरोगेटिव क्या है, जिसमें क्वेश्चन पूछा हो, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा रहता है, तो इंटरोगेटिव का रूल हर एक के लिए सेम ही रहता है. क्या रूल रहता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से हमेशा पहले आता है, तो इसमें भी वही रहेगा. अब इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा था, हैज़ बीन और हैव बीन हो रहा था, तो इसमें क्या होगा, जो हैज़ बीन है वो ही शी इट और सिंगुलर के साथ लगता था, तो जो हैज़ है वो ही शी इट और सिंगुलर से पहले आ जाएगा, और ही शी इट लगाने के बाद बीन लगा देंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे, और क्वेश्चन मार्क लगाना ही है. हैव के बाद आई वी दे यू और प्लूरल आएगा, उसके बाद बीन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म, और फिर आईएनजी. इसकी एग्जांपल्स देखेंगे फिर आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा.
फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारी, हैज़ शी बीन कुकिंग सिंस लास्ट नाइट. इसका पॉजिटिव क्या था, शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस लास्ट नाइट, तो हैज़ जो है वो शी से पहले आया, तो हैज़ शी बीन कुकिंग सिंस लास्ट नाइट. नेक्स्ट है आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ये हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स. इसी तरह से हैव यू बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैज़ राम बीन स्लीपिंग सिंस 5 PM, हैज़ जो हैव जो है वो अपने ही सब्जेक्ट से पहले आएंगे. बस इतनी सी बात है इसमें इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में. थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.